नमस्कार, सिर्फ सच में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। कोरोना वायरस के चलते कई नक्सल प्रभावित इलाके भी अब इसकी चपेट में आने लगे हैं, जिसके चलते कई नक्सली कोरोना वायरस से बीमार हैं और कई नक्सलियों की इस बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। इसी बीच खबर मिली है कि दंतेवाड़ा में एक इनामी नक्सली समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनमें 2 महिला नक्सली भी शामिल है। आपको बता दें कि जब इन नक्सलियों की जाँच कराई गयी तो इनमें से 3 नक्सली कोरोना पॉजिटिव पाए गए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में एक इनामी नक्सली सहित 4 नक्सलियों ने लोन बर्राटू अभियान के चलते पुलिस के सामने सरेंडर किया है। बता दें कि इनमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब पुलिस ने इन 4 नक्सलियों की जांच करवाई तो 3 नक्सली कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना ने इस वक्त नक्सली इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके चलते कई नक्सलियों की अब तक मौत हो चुकी है। कई नक्सली अभी भी बीमार हैं, जो जंगलों में रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं, और कई नक्सली इस भयानक बीमारी के चलते नक्सली संगठन छोड़कर भाग रहे हैं, जिनसे पुलिस सरेंडर करने की अपील कर रही है। खबर है कि इन 4 नक्सलियों को बोदली कैंप में एसपी के सामने सरेंडर करवाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कैंप में नक्सलियों को सरेंडर करवाने के लिए काफी संख्या में गांव वाले पहुंचे थे, जिसके बाद इसकी सूचना एसपी और सीआरपीएफ की टीम को दी गई। और सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों के साथ एसपी अभिषेक पल्लव बोदली कैंप पहुंचे और फिर लोन बर्राटू अभियान के तहत इन नक्सलियों से सरेंडर करवाया गया। गौरतलब है कि गांव वाले बोदली के इस कैंप का लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त गांव में भी कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए कोरोना संक्रमित नक्सलियों से सरेंडर करवाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के अनुसार कोरोना के चलते खतरा बढ़ गया है, ऐसे में सुरक्षा बलों की टीम लगातार गांव वालों को इसके प्रति जागरूक कर रही है। आपको बता दें कि सरेंडर करने वाली नक्सलियों में एक नक्सली 1,00,000 रुपए इनामी है। ये नक्सली सीएनएम अध्यक्ष सोन सिंह उर्फ शिवलाल मंडावी है। इसके अलावा सीएनएम सदस्य रेमती मंडावी, सुंदर कश्यप और मिलिशिया सदस्य जराम कश्यप शामिल है। बता दें कि सरेंडर करने के बाद जब इन नक्सलियों की जाँच करवाई गयी तो जाँच करने के बाद पता चला कि ये सारे ही नक्सली कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके बाद इन नक्सलियों को कोविड सेंटर भेज दिया गया है। कोरोना की इस भयानक महामारी के बीच पुलिस भी नक्सलियों से माओवाद का रास्ता छोड़कर सरेंडर करने की अपील कर रही है, ताकि उनका इलाज कराया जा सके। आपको बता दें कि जिन भी नक्सलियों ने अब तक सरेंडर किया है, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक लिए आप बने रहिए सिर्फ सच के साथ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नमस्कार।